श्री शिवाय नमस्त हम सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और आ गई है सावन के महीने में पड़ने वाली सोमवार की अष्टमी तिथि और ये जो अष्टमी तिथि होती है ये होती है शिव पार्वती के मिलन का दिन है ना और अगर आज रात में हम सभी लोगों ने शिव पार्वती का मिलन अपने घर पर लगा दिया तो मात्र चौबीस घंटे में हमारी वो सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी जो बहुत दिनों से अधूरी चल रही हैं जो कि पूज गुरु जी की कथा से सुनकर बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा स्पेशल सा बहुत ही छोटे छोटे सारे उपाय होंगे वीडियो को पूरा दिखा एक बात मैं आपको बता दूं दू सोमवार की अष्टमी होती है वो साल में दो से तीन ही बार पड़ती है और ये आपके पास में पहला ऐसा मौका है जो सावन के महीने में पड़ रही है की ना चलो बात करते हैं इस उपाय की सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि शिव पार्वती का मिलन भैया हमें कराना कब है तो आज रात में आपको कराना होगा छह बजे के बाद आप कभी भी करा सकते हो ठीक है ना देखो शिव पार्वती के मिलन कराने का दो तरीका है

दीपक दिख रहा है इस दीपक में आपको डालना होगा घी ठीक मैंने घी के बारे में आपको बता रखा है घी आपको गौ माता के दूध से ही बना हुआ होना चाहिए ठीक है ना घी डाल दिया अब आपको इस दीपक के अंदर कराना है है मिलन मिलन मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा कैसे होता जब जब एक जब एक चीज दूसरे चीज से जुड़ जाए तभी तो मिलन होगा तो यहां पर हम जोड़ेंगे जैसे एक बत्ती आप ऐसे लंबी सी लगाना और यह मान के लगाना कि यह बत्ती किसकी है महादेव की हमारे भगवान शिव की है ना एक बत्ती ऐसे लगाना जो दूसरी बत्ती आप लगाना ना वो इसी दीपक

यहां पे हमें जरूरत पड़ेगी थोड़ा सा एक चुटकी हरे मूंगे ना हरा मूंग मतलब कि दाल नहीं आपको खड़ा वाला मूंग लेना होगा इसको लेने के बाद में आपको जरूरत है महादेव की सबसे प्रिय चीज भी और वो होगी एक बेलपत्र अब यहां पे तरीका समझते हैं कि हमें उस दीपक का इस्तेमाल कैसे करना स्क्रीन पे आपको महादेव दिख रहे हैं सबसे प्यारी बात पता है जितने भी उपाय इस वीडियो में आपको बताऊंगा सारे उपाय आपको अपने घर पर ही करने कहीं बाहर गेट के बाहर निकलने की जरूरत नहीं है बहुत आसान से ठीक तो क्या करना है महादेव के शिवलिंग के पास जाएंगे सबसे पहला काम जो मैंने आपको बेलपत्र दिखाया उस बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग

मिलन के दीपक में अगर आज रात में अपने घर पे इस उपाय को आपने कर लिया तो बहुत ही जल्दी आपकी वो बरसों पुरानी मनोकामना पूरी हो जाएगी जिसके लिए आप बहुत दिनों से परेशान चल रहे हो ठीक है ना करके देखना है बहुत ही छोटा सा उपाय था तो करिएगा जरूर तो पहले उपाय की तो बात हो गई है आगे बढ़ते हैं बस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ और ये भी अपने घर पर ही करना देखो यहाँ पे भी आपको एक दीपक दिख रहा है अब इस उपाय में आपको दीपक को जलाना नहीं है ना ही इसमें तेल डालना ना ही बत्ती डालनी कैसे करना है बहुत ध्यान से सुनिएगा सबसे पहले इसके फायदे समझ लेते हैं जैसे मान लीजिए कि आप इस चीज के लिए परेशान हो कि भैया हमारे घर में कोई धन संपदा नहीं आती भैया हमारे घर में नजर लोगों को बहुत लगती है टोने टोट के बहुत ज्यादा लगते हम पूरी फैमिली हमारी परेशान रहती है हम क्या करें तो क्या करना एक ऐसे मिट्टी का दिया लेना है ना मार्केट में होगा या फिर आपके पास में पुराना हो तो वो भी ले सकते हो ठीक मिट्टी का दिया लेना अच्छे से उसको साफ कर लेना ठीक साफ करने के बाद में हमें लेना होगा एक बेलपत बहुत ही प्यारी से सुंदर सी और बेलपत लेने के बाद में फिर से हमें क्या लेना है खड़ा वाला मूंग लेना ठीक है ना इन सभी चीजों को लेंगे साथ ही साथ आपको लेना होगा चावल चावल का मात्र एक दाना इससे ज्यादा मत लेना और वो चावल का दाना खंडित ना हो टूटा हुआ ना हो इतनी बात समझ में आ गई क्या क्या करेंगे ये जो दीपक आपको दिख रहा है इस दीपक के अंदर सबसे पहला काम करेंगे जो बेलपत्र मैंने आपको दिखाया उस बेलपत्र को आपको इस प्रकार से रख देना है जैसे मैंने रख रख दिया इस ऐसे देना बेलपत्र के ऊपर आपको जो मैंने खड़ा मूंग 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 दिखाया उस खड़े खड़े को रख देना ऐसे करके और इसी खड़े के ऊपर जो एक चावल का दाना दिखाया उसको रख देना ठीक आप इस दीपक को ऐसे ही उठाएंगे आपके घर में जो महादेव का शिवलिंग हो या फोटो हो मूर्ति हो प्रतिमा हो उन्हीं के शिवलिंग के पास में उस दीपक को रख करके भोग लगाएंगे और इस कामना से

कर सकते हैं करके देखिएगा इससे इजी इससे आसान उपाय कोई नहीं हो सकता तो आप सभी को करना जरूर होगा ठीक तो पहला अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार बहुत पड़ता है उसके लिए कर सकते हो दूसरा अगर मान लेते हैं अगर आपके घर का कोई ऐसा सदस्य है जिसको क्रोध बहुत आता है मतलब हर छोटी बातों को लेकर गुस्सा करना क्रोध करना चिल्ला ना, मारना पीटना गाली ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है ना इस छोटे से उपाय को करेंगे बहुत आसान सा है ना क्या करना है उससे पहले जल्दी से करिए वीडियो को लाइक और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो है ना आपको लेना है इस तरीके से सबसे पहले दूध ले लो ठीक है ना दूध ध्यान रखिएगा गौ माता का होगा अब दूध वो भी कच्चा लेना बहुत लोग गरम गरम कर लेते हैं फिर ठंडा करके नहीं ये गलत तरीका है दूध लेने के बाद में छोटी सी कटोरी लो है ना इस कटोरी में दूध को डाल दो दूध को डालने के बाद में आपको इस कटोरी के अंदर या तो शमी का पत्ता एक डाल दो या तो इसके अंदर बेलपत्र डाल दो या तो एक बेलपत्र या एक शमी का पत्ता डाल दो इस दूध की कटोरी को उठाएंगे शमी पत्र के साथ में और अगर आपके पास में गंगा जल है तो वो भी डाल देना और फिर आप पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में फेस रखिएगा उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन जो व्यक्ति क्रोध करता गुस्सा करता बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है आपको क्या करना है सबसे पहले उस बेलपत्र को या शमी पत्र को दूध में से निकाल के महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना और पूरा का पूरा दूध हार्ट

होती है ना इसी चौखट के दोनों तरफ हर एक कमरे के चौखट पे थोड़ा थोड़ा करके उस दूध को समर्पित कर देना आपके घर से जिस वजह से एनर्जी प्रवेश कर चुकी है नकारात्मक ऊर्जाएं घुस चुकी है वो सारी एनर्जी आपके घर से बाहर जाएगी और आपकी फैमिली हमेशा खुश जरूर रहेगी ठीक है ना तीन हो गए एक आखिरी उपाय की हम लोग बात कर लेते हैं इससे उपाय नहीं हो सकता आपकी बरसों पुरानी कोई भी ऐसी इच्छा है उस इच्छा को पूरी करने के लिए ठीक है ना उसके लिए हमें स्क्रीन पर दिख रहा होगा केसर तो आपको भी लेना है इस तरीके से केसर केसर ठीक है ना मार्केट में मिल जाएगा क्या करिएगा इस केसर को छोटी सी कटोरी लेना ऐसे और उस कटोरी के अंदर केसर को डालेंगे और थोड़ा सा पानी डाल देंगे, ना? और थोड़ी देर के लिए, 15 से, 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 से जरूरत होगी एक बेलपत्री बेलपत्र को कटोरी के अंदर नहीं डालेंगे अलग से लेंगे और फिर एक तांबे के लोटे में जल को लेकर पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में मैंने आपको बता रखा है महा

आपने की पे की को कर लिया तो ना? करके सा, छोटा सा हो था तो मैंने कोशिश की, को अच्छा की बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करेंगे कुछ पूछना है नहीं समझ में नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछिए मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा श्री शिवाय नमस्त